अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा लगभग 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चंद्रमा पर भेजने के लिए तैयार है। खास बात यह कि इस बार क्रू में एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होगी, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाली पहली महिला बनेगी। सोमवार को इस दिशा में पहला कदम उठाया जाएगा। नासा ने इस मिशन को आर्टेमिस नाम दिया है, जिसका पहला हिस्सा 29 अगस्त को रवाना किया जाएगा। आर्टेमिस 1 एजेंसी के नए स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल की पहली टेस्ट फ्लाइट होगी। SLS रॉकेट करीब 42 दिनों के मिशन पर बिना चालक दल वाले ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा। मिशन के दौरान पृथ्वी पर लौटने से पहले यह चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। आर्टेमिस 1 को 29 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम 6:03 पर लॉन्च किया जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा तक जाएगा, कुछ छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़ेगा और खुद कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इस मिशन के तहत नासा स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हासिल करेगी, चंद्रमा के आसपास हालात की जांच करेगी। जिसका अनुभव अंतरिक्ष यात्री करेंगे और अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को भी सुनिश्चित करेगी। जाहिर है कि अपोलो मिशन अंतरिक्ष की खोज से ज्यादा सोवियत संघ को मात देने के लिए अस्तित्व में आया था। आर्टेमिस के विपरीत अपोलो का मकसद चंद्रमा पर पानी की खोज या स्थायी बेस के लिए जांच करना नहीं था, बल्कि मिशन सिर्फ अमेरिका को स्पेस की रेस में अव्वल लाने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन 50 साल बाद अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। अब वैज्ञानिकों के उद्देश्य अलग हैं, इसलिए उनकी चुनौतियां भी अलग हैं। अब अमेरिका रूस या चीन को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के बाहर स्थायी रिसर्च शुरू करने के लिए एक बेस बनाना चाहता है। यह बेस एक दूरगामी मिशन के लिए दरवाजे खोल सकता है, जिसके तहत एक दिन इंसान मंगल ग्रह पर भी कदम रख सकता है। आर्टेमिस 3 के जरिए इंसान चंद्रमा पर जाएंगे। इस चालक दल में एक महिला और संभवतः एक अश्वेत यात्री भी हो सकता है। फिलहाल आर्टेमिस 1 के लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होगा। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। एक्सप्लोरेशन सिस्टम डेवलपमेंट के लिए नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जिम फ्री ने 22 अगस्त को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा था, यह एक नए रॉकेट और नए अंतरिक्षयान की पहली उड़ान है और टेस्ट फ्लाइट में कुछ जोखिम अंतर्निहित होते हैं।